क्यों अमेरिकाज के बीच में रोड कनेक्टिविटी नहीं है? जो पैन अमेरिकन हाईवे है वो 30,000 किलोमीटर तक की लेंथ कवर करता है और ये कंप्लीट नहीं हो सका अभी तक सिर्फ 100 किलोमीटर की एरिया की वजह से। ये एरिया पड़ता है इन द बॉर्डर ऑफ पनामा एंड कोलंबिया। जी एरिया पनामा के डेरियन प्रोविंस से स्टार्ट होकर कोलंबिया के कोको डिपार्टमेंट तक जाता है। यहाँ पर रोड बनाना काफ़ी मुश्किल है इसकी टेरेन की वजह से। यहाँ पर काफ़ी इन्वायरमेंटल डाइवर्सिटीज देखने को मिलती हैं। इस एरिया में लार्ज वाटर शेड, डेंस रेन फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स भी हैं। यहाँ पर पॉइजनस रेप्टाइल्स, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स भी हैं जो कि यहाँ से ट्रैवल करने वालों को दिक्कत कर सकते हैं। यहाँ पर रिवर डेल्टास होने के कारण यहाँ पर ट्रैवल्स करना एनी सॉर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट से बहुत मुश्किल है। यहाँ रिवर डेल्टा स्वैम्पी एरियाज क्रिएट कर देते हैं जिनसे ट्रैवल करना और भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर इंडिजीनियस ट्राइब्स भी रहती हैं, एम्बरा और कोना पीपल, जो कि नहीं चाहते उनकी लाइफ में कोई भी चेंज या सराउंडिंग में भी चेंज आए। डेरियन गैप के पार पाना सिर्फ वाटर रूट से ही पॉसिबल है जो कि समुंदर से होकर जाता है। ये एरिया इसलिए अंडर डेवलप्ड रखा गया है क्योंकि ये एरिया 2010 के बाद काफ़ी जुड़ा हुआ है विद द इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉम साउथ अमेरिका टू नॉर्थ अमेरिका। 2019 में यहाँ से 7.5 लाख लोग क्रॉस कर चुके हैं इस एरिया को। ये एरिया काफ़ी बदनाम भी है ड्रग कार्टेल्स और ड्रग सप्लाईज की वजह से। यहीं से ड्रग्स कोलंबिया से अमेरिका ऊपर जाते हैं। ये कुछ कारण हो सकते हैं यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी ना होने का। ये एक बफर स्टेट की तरह काम कर रहा है अमेरिकाज को बचाने के लिए विद साउथ अमेरिका।